वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज हम बात करने वाले हैं JIPMER नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की, कि आपका पेपर है जो दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेट है पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि अब आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आप पेपर लिखेंगे, ऑल ओवर थिंग्स, क्या सिलेबस है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उन्होंने आई होप कि पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट किया होगा। तो JIPMER का पेपर होता किस तरीके से वो भी आपको बताएंगे, पूरा एक पेपर भी सॉल्व करके दिखाएंगे इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पेपर होने कब वाला है। तो आपका पेपर 18 दिसंबर को होने वाला है, फाइनल डेट यहाँ पे दी हुई है। अब आपके पेपर में आने क्या वाला है, आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है जब आपको पेपर होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जो नया पैटर्न है, जो पहले 2012-13, 2020 तक भी वन पेपर हुआ है उसमें पैटर्न थोड़ा लग रहा है, लेकिन जो 2021-22 से पेपर होते जा रहे हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो पैटर्न है आपका 400 नंबर का आपका पेपर होगा, 400 नंबर का, लेकिन आपको क्वेश्चन ओनली 100 MCQs आएंगे, 100 MCQs होंगे, एक MCQ 4 मार्क्स का रहेगा, और आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होती है इस पेपर में जब भी आप JIPMER का पेपर देने वाले हों। तो यहाँ पर आपको नर्सिंग सब्जेक्ट से 70% चीज़ें हैं जो कवर अप हो जाएंगी, बाकी 30% में GK GS मैथ बेसिक आता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई लेवल का आएगा, NCERT बुक्स भी आपके लिए काफ़ी है। और आपको ड्यूरेशन दिया जाता है 90 मिनट का। पहले आपको पेपर है जो OMR बेस्ड आंसर सीट में आंसर देने होते थे, बट नाउडेज यहाँ पर आपका जो पेपर होगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका जो पेपर होगा टेस्ट के बाद, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं हमारी नर्सिंग में कि डायरेक्ट रिटर्न के बाद आपका DAV किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के बाद स्किल असेसमेंट टेस्ट भी होता है। ये डिपेंड करता है आपके इस CBT एग्ज़ाम पर कि आपने किस तरीके से जो अपना एग्ज़ाम पास किया है। तो यहाँ पर 50% मार्क्स आपके CBT के लिए जाएंगे, 50% स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, देन आफ्टर आप है जो फाइनल सिलेक्शन के तौर पर माने जाएंगे। तो ये तो हमने देखा कि आपको पेपर है जो कैसा आना है, कि 70% नर्सिंग, अब 70% नर्सिंग में आपका ऑल ओवर नर्सिंग सब कवर होगा वो। तो यहाँ पर हम 2022 का पेपर भी सॉल्व करेंगे, 2013 का सॉल्व करेंगे, 2020 का सॉल्व करेंगे, सभी पेपर हैं जो आपके सॉल्व किए जाएंगे। बट आज हम स्टार्ट करेंगे JIPMER का पुराना पेपर से। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं कि आपको पेपर किस तरीके से आ सकता है, JIPMER में पेपर आपके कैसे होते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल पेपर है जो JIPMER का ही ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको 4 नंबर मिलेंगे सही आंसर क्वेश्चन करने पर। तो एज एन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पर क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का रहता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यदि आपने एक क्वेश्चन जो गलत किया, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन से मिल गए और आपका कोई भी एक क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है, तो वहाँ पर एक नंबर कटेगा, आपके 4 नंबर नहीं कटेंगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करके जाना है। तो यहाँ पर जो भी लोग यदि पेपर दे रहे हैं और आप OMR सीट में अपने आंसर फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर यदि आपको लगता है कि यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक आपसे गलत हो गया तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने एक सही क्वेश्चन किया है तो आप 4 गलत करेंगे तब आपके वो 4 नंबर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सेट करके रखनी है, क्योंकि JIPMER का पेपर 400 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर 400 मार्क्स का पेपर होगा जो आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो 400 नंबर का होगा, 400 का पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर है जो दिए जाएंगे। लेकिन निगेटिव, यदि आपने एक इनकरेक्ट किया क्वेश्चन, तो उसमें आपके एक नंबर कटेगा, ना कि 4 नंबर कटेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं हमें पेपर है। यहाँ पर एक पूरा ऑफिशियल पेपर है, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा JIPMER की। इसमें आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आई होप आपको पूरा विजुअल क्लियर हो रहा हो, और आपके यदि कोई डाउट्स हों तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी अपने मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो यदि कोई नर्स किसी पेशेंट की केयर कर रही हो, एनीमिया के पेशेंट की केयर कर रही हो, तो यहाँ पर यह
यदि कोई नर्स किसी एनीमिया के मरीज की केयर करती है तो यहाँ पर उसको क्या होता है, कौन सी फाइंडिंग उसको देखने को मिलेंगी कि पेशेंट के लिए एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ, दैट मीन्स रिसेंट में कुछ ब्लीडिंग हुई है जिसके कारण एनीमिया की सिचुएशन बनी है। ऑप्शन में है एक्सटर्नल डिस्निया, इजी फटीग ऑन एक्जर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन। क्या चीज़ है जो उसको बताएगी कि पर्सन को अभी रिसेंट में कुछ ब्लीडिंग हुई है जिसके कारण एनीमिया की सिचुएशन हुई है, ये आपको पहले से नहीं था एट प्रेजेंट हुआ है, तो वो होगा पोस्टरल हाइपोटेंशन। पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब है या फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, यदि रिसेंट में उस पर्सन को ब्लीडिंग के कारण ब्लड लॉस हुआ है, एनीमिया की कंडीशन हुई है, तो वो जैसे ही खड़े होगा अचानक से बैठे बैठे उसको क्या होने लगेगा, पर्सन का बीपी है जो लो होने लगेगा, तो वो सिचुएशन यहाँ पे क्या कहलाएगी, पोस्टरल हाइपोटेंशन। और यहाँ पर एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के कारण और भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से होंगे, यदि किसी को सडनली ब्लीडिंग हुई हो तो यहाँ पर बीपी लो होने के साथ साथ उसको फेंटिंग टाइप से भी आपको देखने को मिलेगी, डिस्निया होगा उसको लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे आपको कहा एक्सटर्नल डिस्निया। इजी फटीग ऑन एक्जर्शन, जब ब्लीडिंग हो रही है इतना ज़्यादा एनीमिक है पर्सन तो वहाँ पर एक्जर्शन होगा, लेकिन एक्यूट केस में पूछा है, यदि उसको पहले से एनीमिया है, प्रोलॉन्ग एनीमिया है, लॉन्ग टर्म से उसको ब्लड की कमी है, तब यदि वो चलेगा फिरेगा घूमेगा तब उसको फटीग होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया रेस्ट के टाइम पे नहीं होगा पर्सन को, जब वो वॉक करेगा तब उसमें देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच पेशेंट इज हैविंग वेरी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर, कौन से पेशेंट को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा, रिस्क सबसे ज़्यादा होगा डेवलप होने का, हुआ नहीं है डेवलपिंग कहा है। 30 ईयर ओल्ड ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, 36 ईयर ओल्ड हु हैड फर्स्ट चाइल्ड एट 22 ईयर्स, 45 ईयर्स ओल्ड हु वॉज नेवर बीन प्रेगनेंट, 40 ईयर ओल्ड हु हैड 5 अलाइव चिल्ड्रन 1 अबॉर्शन, कौन से केस में ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। फर्स्ट थिंग, ओवरी कैंसर को ट्रीट करने में कभी कभी OCP पिल्स यूज़ की जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा है कि 36 ईयर ओल्ड है लेकिन उसका पहला बच्चा 22 साल में ही हो गया था तो उसको चांस कम रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि 40 ईयर ओल्ड लेडी है, 5 लाइव बच्चे हैं उसके, मतलब 5 टाइम तो एटलीस्ट वो 6 टाइम ग्रेविड हो चुकी है, तो यहाँ पर ओवरियन कैंसर होने के चांसेस नहीं है। ओवरी कैंसर कब होता है, जब या तो आप कभी प्रेग्नेंट ना हुए हो या फिर आपको PCOD रहा हो, पहले से कुछ सिस्ट वगैरह रहे हो या फिर जेनेटिक्स रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 45 ईयर ओल्ड हु वॉज नेवर बीन प्रेग्नेंट, यहाँ पर वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, हो सकता कभी ओवुलेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ हो, एग रिलीज नहीं हुआ हो, पीरियड्स ना आए हो, ये छोटे छोटे जो रीज़न है क्या हो सकते हैं, ओवरी कैंसर होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विच ज्वाइंट मूवमेंट्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ पेशेंट विथ पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, यदि किसी पर्सन को पेरिकैप्सुलाइटिस हुआ है शोल्डर में कौन से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ऑप्शन में एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पहले तो ये समझिए कि ये पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर का दूसरा मतलब भी होता है अधेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर। जब आपके जो शोल्डर है, क्या है शोल्डर में, यहाँ पर जो ह्यूमरल जॉइंट्स है, यहाँ पर जब भी आप इसको हिलाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो यदि किसी पर्सन को फ्रोजन शोल्डर या फिर पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर की सिचुएशन है, वैसे केस में कहा कि कौन सा मूवमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो वो कौन सा होगा, एबडक्शन। क्या होगा, एबडक्शन। जब भी आप अपने हाथ को क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे, क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो यहाँ पर पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर या फिर फ्रोजन शोल्डर, दोनों टर्म एक ही हैं, तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, तो वो होगा एबडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर
मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट ए क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम में आता है आई थिंक नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है यहाँ पे साफ साफ कहा है कि एक मैटरनिटी नर्स को दैट मीन्स एज एन आप CHO भी हो सकते हैं मैटरनिटी नर्स हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यदि हमें प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग करवानी है कब करवानी है दैट मीन्स यहाँ पर इस टाइम पर पता चलेगा कि माँ के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है ऑप्शन में 6 to 17 weeks 18 to 23 weeks 24 to 28 weeks या फिर 29 to 32 weeks कितने वीक की प्रेगनेंसी में आप पता कर पाएंगे स्क्रीनिंग के थ्रू कि माँ के लिए डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है तो बेस्ट ड्यूरेशन होता है वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का कौन सा सेकेंड ट्राइमेस्टर का और वो यहाँ पर क्या है वो है 24 से 28 week का ड्यूरेशन तो यहाँ पर जो 12 वीक है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाएंगे और जो सेकंड वीक है वो है 24 से 28 का आपका तो 12 से 24 वीक भी कभी कभी लेकिन अकॉर्डिंग टू जो जेस्टेशनल पीरियड है बेस्ट आपको यदि आंसर देना है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि इसी टाइम पर प्रेगनेंसी में क्या होगा जो ग्लूकोज का लेवल है या फिर हम ये कह सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए सही ड्यूरेशन हो जो होता है वो होता है 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी का इस टाइम पर आप जो ब्लड टेस्ट के थ्रू है जो आप कंफर्म कर सकते हैं कि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्वेश्चन भी आता है कि यदि माँ डायबिटिक है तो बच्चे को सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में है हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकैल्सीमिया हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरबिलीरुबिनेमिया माँ यदि डायबिटिक है मदर डायबिटिक है तो जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसको सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर तो बेबी को क्या क्या हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है लेकिन हाइपरबिलीरुबिनेमिया इसका माँ के डायबिटिक होने से कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा ये बच्चे में डेवलप होता है जनरली फिर यहाँ पर जॉइंटिस ही है कि ब्लूरूबिन का लेवल बढ़ जाता है एक तो होगा पैथोलॉजिकल दूसरा होगा फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जनरली विद इन 24 आवर में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जो फिजियोलॉजिकल होता है वो आफ्टर 3-4 days के बाद है जो देखने को मिलेगा बेबी में तो यहाँ पर यदि माँ डायबिटिक है तो बच्चे में क्या डेवलप होने के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया फिर यहाँ पर जो अदर ऑप्शन भी हैं वो लेकिन जो नहीं डेवलप होगा वो होगा हाइपरबिलीरुबिनेमिया यहाँ पर ब्लीरुबिन का लेवल बच्चे में नहीं बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू अभी देखिए क्वेश्चन आपने देखा कि 4 line का है मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है सिंपल सा पूछा है कि पैक्ड RBC को हम कितने टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं 25 days 35 days 45 days या फिर 55 days कितने दिनों तक हम जो RBC पैक्ड हैं उनको हम क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कितने दिन तक के लिए रख सकते हैं तो ये हम रख सकते हैं 35 days के लिए कितना जो प्लेटलेट्स पूछा तो वो 5 दिन के लिए रखी जा सकती हैं यदि स्टोर करने के लिए पूछते हैं लेकिन RBC का पूछा है तो कितना 35 days नेक्स्ट वन अ नर्स वॉज कॉल्ड टू सी अ पेशेंट विथ नॉइजी ब्रीदिंग सी सस्पेक्ट्स लेरिंगो स्पाज्म विथ स्ट्रॉइडर एंड इट अकर्स कॉमनली विथ अब यहाँ पर 3 signs बताए नॉइजी ब्रीदिंग एक पेशेंट में आपने जो क्या चेक किया कि नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है उसके लिए लेरिंगो स्पाज्म जो लेरिंग्स है उसमें स्पाज्म सिकुड़ा हुआ है जिसके कारण क्या हो रहा है स्ट्रॉइडर भी हो रहा है तो यहाँ पर ये सब साइन किसके हैं हाइपरकैलेमिया के हाइपरकैल्सीमिया हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया तो ये जितने भी साइन यहाँ पर बताए गए हैं ये सब किसके हैं हाइपोकैल्सीमिया के किसके हाइपोकैल्सीमिया के पूरे साइन यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ निडल स्टिक इंजरी इज अबाउट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि HIV पेशेंट्स जो यदि रिस्क पूछते हैं कि निडल स्टिक इंजरी से कितने परसेंट चांस है HIV होने के, 1/100, 1/200, 1/300 या फिर 1/400, तो कितने परसेंट चांस होते हैं, तो वो होता है 1/300। यदि निडल स्टिक इंजरी से आपको क्वेश्चन आता है कि HIV पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी होने से कितने परसेंट तक चांसेस रह सकते हैं, तो 1/300। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एसाइक्लोविर, एडिफोविर, सिडोफोविर या फिर ओसेल्टामिविर। तो इसका सबको पता है क्या, ओसेल्टामिविर ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू के लिए। H5N1 नाम के जो वायरस से फ्लू होगा वो कहलाता है स्वाइन फ्लू, सॉरी H1N1 से वो है स्वाइन फ्लू, और जो H5N1 है वो उससे एवियन फ्लू है और उसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं तो क्या, ओसेल्टामिविर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। आई होप आपको इस तरीके से स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, इसलिए आपको ऐसे किया जा रहा ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल हो और आपको डाउट ना हो कि ऑफिशियल पेपर है या फर्जी पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद DVT एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोलाई विल बी लॉज्ड इन। तो यहाँ पर DVT का पेशेंट है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, हॉमन साइन देखने को मिलता है इसमें, एग्जाम में आता है आपको, DVT का पेशेंट है, तो एक नर्स को पता होना चाहिए जो एम्बोलाई है वो कहाँ पर रहेगा, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में कि किडनी में, इसके सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पर होने के रहेंगे, तो ये रहेंगे लंग्स में। कहाँ पर DVT में जो वीनस एम्बोलाई है कहाँ पर ज़्यादा रहने के चांसेस होंगे, लंग्स में। नेक्स्ट वन, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज, तो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज है जो कि इन्फेंट में हुई है, किसकी कमी के कारण, सर्फेक्टेंट की कमी के कारण, इसका सोर्स है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, तो वो कौन सा है, एल्वुलर मैक्रोफेज, कैपिलरी एंडोथीलियम, न्यूमोसाइट टाइप 1 या फिर न्यूमोसाइट्स टाइप 2। तो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज है, कौन से सर्फेक्टेंट की कमी के कारण हुई है, तो हुई है न्यूमोसाइट्स टाइप 2 की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस, तो इनमें से DNA वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या फिर डी, तो सबको पता है हेपेटाइटिस बी बस कौन सा है, DNA वायरस है, बाकी सभी RNA वायरस हैं। नेक्स्ट वन, इसका यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन ऑफ मोड आता है, तो ए और ई आप याद रखें फीकोरल रूट से होता है, बाकी सभी स्पेशली हेपेटाइटिस बी है जो निडल प्रिक इंजरी से सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, माँ से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहलाता है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिले हैं इसलिए। नेक्स्ट वन, टू डू परकसन एंड पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकियोक्टेसिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट अ नर्स शुड यूज, तो यहाँ पर पेशेंट के लिए हम, पेशेंट क्या है, ब्रोंकियोक्टेसिस का पेशेंट है, उसको परकसन कर रहे हैं, पोस्टरल ड्रेनेज करवा रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, प्रॉन, डेक्यूम्बिटस या फिर सेमी फॉलोअर पोजीशन, तो यहाँ पर हम पोस्टरल ड्रेनेज करवा रहे हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, पेशेंट को ब्रोंकियोक्टेसिस है तो यहाँ पर आप पर्सन को पोजीशन कौन सी देंगे, प्रॉन पोजीशन। कोविड में भी देखा होगा जिन पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती तब उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उल्टा लेटाना, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा आपको पेट केवल अपने एब्डोमेन केवल पूरा उल्टा लेट जाना है, तो वही यहाँ पर प्रॉन पोजीशन, पर्सन में पोस्टरल ड्रेनेज हो रहा है परकसन करते टाइम में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉन पोजीशन पेशेंट के लिए दिलवाना है, लाई ऑन देयर एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन के बल आपको पूरा कह देना है कि उल्टा लेट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, पेशेंट ऑन एनाल्प्रिल एंड डायुरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर
नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन सी फाइंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एक पेशेंट एनाल्प्रिल और डायुरेटिक्स पर है, एनाल्प्रिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, डायुरेटिक्स भी दिया जा रहा है, हार्ट फेलियर है क्योंकि पेशेंट को, तो एक एज अ नर्स आप फिजिशियन को कब जाके इन्फॉर्म करेंगे कि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रही है? जब पर्सन को ड्राई कफ हो रहा है, स्किन रैशेस आ रहे हैं, एडिमा हो लेग्स पर, फिर पोस्टरल फॉलन बीपी, कौन सी सिचुएशन में आप जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे? तो वो का एडिमा ऑन लेग्स, क्योंकि हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हम उसको ऑलरेडी डायबिटिक्स दे रहे हैं कि जो फ्लूड भरा हुआ है उसको बाहर निकालें, लेकिन तब भी एडिमा देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स फ्लूड है जो बाहर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके आप डॉक्टर को है जो नोटिफाई करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, 30-year-old पेशेंट हैज एन अल्सर ओवर लेटरल मेल्यूलस, नर्स केयरिंग फॉर दिस अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू, तो पर्सन को अल्सर है कहाँ पर, ओवर लेटरल मेल्यूस में, कहाँ पर, ओवर लेटरल मेल्यूस में यदि पर्सन को क्या है, अल्सर हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये अल्सर है, ये जो पेन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, एडिमा के कारण, एक्सिडेट के कारण, इन्फेक्शन के कारण, कि इस्चीमिया के कारण। तो यहाँ पर जो अल्सर हुए हैं जनरली, जिसको हम वीनस अल्सर भी कह सकते हैं, मीडियल और लेटरल कहीं पर भी ये हो सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके के अल्सर होने के कारण क्या है, इस तरीके के अल्सर होने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है इस्चीमिया। क्या होगा, इस्चीमिया, जिसके कारण ये पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, नर्सिंग केयरिंग फॉर अ रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट विथ मोलक्सकम कंटेजियसियम, दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर मोलक्सकम कंटेजियम है, सॉरी कंटेजियोसम है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, किसके कारण होता है, मतलब पहले से आपको कोई डिसीज है उसके बाद ये होगा, तो ये होता है जनरली पॉक्स वायरस के कारण, किसके कारण, पॉक्स वायरस के कारण, याद रखें ये डिसीज मोलस्कम कंटेजियोसम एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि किसके कारण हो रहा है, पॉक्स वायरस के कारण, पेपिलोमा वायरस के कारण यहाँ पर जनरली सर्वाइकल कैंसर आता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है जो हर्पीस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट वन, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट रेल्स ट्यूब फॉर पेशेंट, बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको इंसीजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन के बीच का जब आप रेल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ नर्स कैन डीकंटामिनेट द एच आई वी कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स विथ ऑल द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18, अ नर्स कैन डीकंटामिनेट द एच आई वी कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एच आई वी का जो यहाँ पर लिनन हो सकता है, बेडशीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सभी चीज़ों से आप उसको क्या कर सकते हैं, डीकंटेमिनेट कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड फर्स्ट चॉइस मानी जाती है यदि एच आई वी के पर्सन या फिर कोविड के पर्सन के लिए पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो है मेथनॉल, क्या है यहाँ पर, मेथनॉल, बाकी सभी को हम है जो यूज़ कर सकते हैं, किसमें, एच आई वी पर्सन का जो भी यहाँ पे लिनन हो या फिर बेडशीट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर सबको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। मेथनॉल क्या है, एक तरीके का एल्कोहल है जो कि फ्लेमेबल रहता है, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सबको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 25-year-old मेल पेशेंट हैड स्वेटिंग पालपिटेशंस एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर ऑफ 40 mg/dL, मल्टीपल सिमिलर एपिसोड्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट,
करेक्टेड विथ ग्लूकोज नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस। अब देखिए यहाँ पर 25 साल का यहाँ पर पेशेंट है, क्या है 25 साल का पेशेंट है यहाँ पर, उसके लिए स्वेटिंग हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल 45 mg/dL निकला हुआ है, ब्लड शुगर लेवल कितना है 45 mg/dL है। यहाँ पर उसके लिए प्रीवियसली ग्लूकोज को लेके बहुत सारे क्या हुए हैं, पहले कई बार उसके लिए क्या किया गया है कि ग्लूकोज लेवल उसका पहले भी कई बार डिस्टर्ब हुआ है। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर उसको डायग्नोस होगी, VIP ओमा, इंसुलिनोमा, गैस्ट्रियोनोमा या फिर ग्लूकोगोनोमा, कौन सी सिचुएशन यहाँ पर पर्सन को डेवलप होगी। तो यह इंसुलिनोमा, क्या है इंसुलिनोमा, क्योंकि यहाँ पर जो इंसुलिनोमा हुआ है उसके लिए किसके कारण हुआ है, तो इंसुलिनोमा जनरली पर्सन को तब देखने को मिलेगा जब पर्सन की जो पैंक्रियाज है उसमें एक तरीके का ट्यूमर हो जाए या फिर एक्स्ट्रा इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाए, ऐसे केस में आपको क्या होगा इंसुलिनोमा होगा। और यहाँ पर यही चीज़ है कि उसके लिए पहले भी कई बार ये चीज़ डेवलप हुई है, तो ये सब क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये है यहाँ पर इंसुलिनोमा के साइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, सी शुड बी अवेयर दैट ऑल दी फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी कह दिया, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है फीमेल यूरेथ्रा के बारे में, सब चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, क्या है सब चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर फीमेल यूरेथ्रा को लेके। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, ऑप्शन में इट इज़ अबाउट 1.5 inch इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑर्फिस, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरेथ्रो जेनाइटल डायफ्राम या फिर इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर क्या है जो क्या है ऐसी चीज़ क्या है जो कि गलत है फीमेल यूरेथ्रा को लेके, तो यहाँ पर जो गलत है वो पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑर्फिस है, जनरली एंटीरियर रहेगा। 1.5 inch लेंथ सही है जो फीमेल यूरेथ्रा है, शॉर्ट रहेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो UTI इन्फेक्शन होता है वो फीमेल्स में होता है। फिर यहाँ पर जो मेल यूरेथ्रा होगा वो एस शेप में रहेगा। और फिर यहाँ पर दूसरी चीज़, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरेथ्रोजेनाइटल डायफ्राम, तो ये भी सही है। इट्स स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं है वो क्या है, पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑर्फेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लिवर, तो कौन सा कैंसर है जनरली जो लिवर में जाके नहीं मेटास्टेसाइज होगा, फैलेगा, ब्रेस्ट, लंग, कोलोन या फिर प्रोस्टेट। तो कौन सा कैंसर है जो लिवर में मेटास्टेसाइज नहीं होगा, तो वो होगा प्रोस्टेट कैंसर। बाकी ब्रेस्ट, लंग, कोलोन सब जाके लिवर में मेटास्टेसाइज हो सकते हैं, मतलब लिवर में भी कैंसर होने का रीजन है, बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, तो पैराथायरॉइड हार्मोन सब पर काम करेगा किसी एक को छोड़कर डायरेक्ट तरीके से, इंक्रीज री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, ये काम भी करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। दूसरा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये काम पैराथायरॉइड हार्मोन का नहीं है। किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम को, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाएगा किसका, 125 डायहाइड्रोक्सी विटामिन डी का, क्योंकि ये पैराथायरॉइड हार्मोन के ही काम है विटामिन डी का, कैल्शियम का पूरा मेंटेनेंस करके रखना, लेकिन इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना ये काम नहीं है किसका, पैराथायरॉइड हार्मोन का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव इटियोलॉजी एक्सेप्ट, सभी टाइप के कैंसर की इन्फेक्टिव इटियोलॉजी होगी किसी एक को छोड़कर, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, बर्किट्स लिम्फोमा या फिर कापोसी सार्कोमा। तो यहाँ पर स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, बर्किट लिम्फोमा और कापोसी, कापोसी जनरली HIV वालों में देखने को मिलता है,
तो यहाँ पर सभी कहा है कि इन्फेक्टिव एटियोलॉजी, मतलब इनका जो कॉज है वो कुछ इन्फेक्शन के कारण हुए हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स ये किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होगा। क्या है, किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होगा, बाकी सबको यदि आपको अदर इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में तो आपको होने के चांसेस ये कैंसर ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, विटामिन ए को लेकर सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टलिटी इन मीजल्स, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया। तो अब सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है जो गलत है? तो यहाँ पर विटामिन ए के जो हाई डोज यदि प्रेगनेंसी में दे दो तो टेराटोजेनिक होगा ही। विटामिन ए के लिए जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है उसके साथ में स्पून भर के जब आप वैक्सीन के लिए जाएंगे तो देखेंगे पिला दिया जाता है, फिर यहाँ पर ओरली, और ये मॉर्बिडिटी डायरिया में मॉर्बिडिटी को कम करने में भी हेल्प करेगा विटामिन ए। लेकिन यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सेप्ट करके पूछा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए जनरली जितने भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स रहेंगे या फिर वेजिटेबल्स होंगे उनमें मिलेगा। एक क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जनरली ये जितनी भी फैटी आइटम्स होंगे उनमें जो है जो खाने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बी अडॉप्टेड बाय नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेन पंचर। तो हेमेटोमा होने से हमें रोकना है जब आप वेन पंचर करते हैं, तो कौन से चीज़ें हैं जो आपके लिए अपने माइंड में रखनी है। चूज़ अ वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल्स फास्ट, टैप द वेन हार्ड बिफोर वेन पंचर, अप्लाई फर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर द प्रोसीजर, अप्लाई हेपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट आफ्टर द प्रोसीजर। अब यहाँ पर क्या है जो बेस्ट वे है हेमेटोमा फॉर्मेशन होने से यदि हमें रोकना है, जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं किसी की वेन पंचर करके या फिर आप आईवी कैथेटर लगाने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं पर्सन के लिए जो यहाँ पर टॉर्निकेट बांधते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं बांधते हैं कि पर्सन के लिए पेन होने लगे। दूसरी चीज़, आफ्टर प्रोसीजर आपको बिल्कुल भी क्या करना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखना है, ना ही पेरन कंटेनिंग ऑइंटमेंट लगाना है आफ्टर प्रोसीजर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हेमेटोमा रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, कि जो वेन बहुत सॉफ्ट है और जो बहुत जल्दी रिफिल हो जाए, आपने जो फ्लेबोटोमी की जाती है या फिर जब आप फ्लेबोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी सॉफ्ट वेन चेक करेंगे जिससे इजीली ब्लड निकालने के बाद वो तुरंत रिफिल हो जाए। आप प्रेस करेंगे उसको, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्मली प्रेशर लगा के प्रेस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो जब आप ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर यदि क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि ह्यूमिडिफाई करके क्यों दिया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रैक किया, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकेंस द म्यूकस, ऑक्सीजन गेट क्लींस्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, या फिर ऑक्सीजन इज इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयन टू इट। तो इतना ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली याद करके रखना है कि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ड्राई गैस, और यदि आप ड्राई देंगे तो ट्रैकिया को क्या करेगा, जो म्यूकस आ रहा है उसको थिक करने का काम करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके है जो दिया जाएगा। यदि थिक म्यूकस आएगा तो आपको क्या होगा, ब्रोंकोस्पास्म होगा, साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन गैस देते टाइम ह्यूमिडिफायर साथ में लगा रहता है, आपने सिलेंडर में देखा होगा ऑक्सीजन के। नेक्स्ट वन, नर्स एंगेज्ड इन सक्शन प्रोसेस अ ट्रकियोस्टोमी इन सिटू पेशेंट हु रिक्वायर फ्रिक्वेंट सक्शनिंग, हाउ लॉन्ग सी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम। यहाँ पर देखिए इजी सा क्वेश्चन है कि सक्शनिंग आपको कितने टाइम तक करनी है, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। तो यहाँ पर जनरली जो सक्शनिंग के लिए एवरी टाइम सक्शनिंग करना है तो कितना, 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा सक्शनिंग हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वन, नर्स टेकिंग केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट शुड टू हर एप्रोप्रिएट रिप्लाई।
देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देते हैं जिससे आपको हार्ड लगेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूछ रही है यदि कोई लेडी, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, कब करना है? तो यहाँ पर जनरली ऑप्शन में तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन एज सून एज पॉसिबल जनरली जो हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट या फिर हाफ एन आवर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएँ तो क्या 2 आवर आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन, अ नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मैजे अलोन में लीड इन टू, तो मैजे खाने से क्या होगा, वेरी वेरी पेलाग्र, स्कर्वी या फिर फ्रेनोडर्मा, कौन सी प्रॉब्लम होगी मैजे खाने से? तो होगा पेलाग्रा, क्या होगा पेलाग्रा, पेलाग्रा क्यों होता है, नियासिन की कमी के कारण। और यदि आपने ओनली मैजे बस खाए तो जो डिसीज डेवलप होगी वो होगी पेलाग्रा। आपको याद रखना पेलाग्रा होता कैसे है, नियासिन की कमी के कारण। इसके 3D सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, लास्ट वन इज द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, अ नर्स ऑब्जर्व पाल्मर एरिथमा एंड सी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेट विद इन। तो यहाँ पर आप पाल्मर एरिथमा को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके कारण हुआ है, कार्डियक फेलियर के कारण, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर या फिर एड्रिनल फेलियर। तो ये डेवलप हुआ है हेपेटिक फेलियर के कारण, किसके कारण, हेपेटिक फेलियर के कारण। नेक्स्ट वन, व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट नर्स और असिस्ट, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब आप किसी स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प करते हैं तो आप कहाँ हेल्प करेंगे, वीक साइड में, स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड या फिर फ्रॉम बैक। तो हमेशा इस तरीके के केस में आपको स्ट्रोक के पेशेंट में हो तो आपको क्या करना है, वीक साइड, जिस साइड पर्सन वीक हो उस तरफ आपको हेल्प करना, राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। नेक्स्ट वन, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स। यदि हमें यूरिनरी कैथेटर को बाहर निकलने से रोकना है, पुल आउट होने से रोकना है, तो आप कैथेटर को कहाँ पर टेप करेंगे, अपर थाई में, लोअर थाई में, हैंड लेंग या फिर फुट में, कहाँ पर आप इसके लिए टैप कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर इसको अपर थाई में टैप कर सकते हैं, इससे कैथेटर को पुल आउट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 16-year-old प्रीमी ग्रेविड पेशेंट एडमिटेड विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, दैट मीन्स एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, कुछ भी हो सकता है, MGSO4 IV रूट से हमने दिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ें चेक करनी है। 16-year-old है प्रीमी ग्रेविडा, मतलब 16 साल की है, टीनेज प्रेगनेंसी है यहाँ पर। ऑप्शन में यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर या फिर ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ है जो चेक करते रहना है। तो यदि हमने लेडी के लिए क्या दिया है, MGSO4 दिया है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है, तो आप जो चीज़ यहाँ पर मॉनिटर करेंगे वो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर। हर घंटे आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है, क्योंकि MGSO4 क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को जो सप्रेस करने का काम भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर और अदर चीज़ें लेट दी हुई हैं इसीलिए हम मार्क करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ द पेशेंट हु हैज़ एक्यूट एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नोज ब्लीडिंग में आप कैसे केयर करेंगे, टिल्ट द पेशेंट्स हेड बैक, प्लेस द पेशेंट हेड बिटवीन हिज लेग्स, पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, प्लेस वार्म कंप्रेसेस ऑन द पेशेंट नेजल ब्रिज। एपिस्टैक्सिस दैट मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग, और नोज ब्लीडिंग के लिए मैनेजमेंट आता है, तो आपको क्या करना है, पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के बैठने के लिए कहना है, और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ नर्स टेक फर्स्ट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ कार्डियक अरेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन आप सबसे पहले लेंगे यदि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो, इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग, प्रोवाइड IV एक्सेस, एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे या फिर ऑब्टेन अ पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होती है यदि कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, पर कार्डियक अरेस्ट का, एयरवे मेंटेन करना, क्या है,
एयरवे मेंटेन करना, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, एस्टेब्लिश एंड ओपन एयरवे। नेक्स्ट वन, पहले एयरवे फिर ब्लीडिंग सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, नर्स एडवाइज द पेशेंट टू, तो यहाँ पर इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन हुआ है यदि, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, एलिवेट द लेग्स व्हेन सिटिंग, रिफ्रेन फ्रॉम विग्रस एक्सरसाइज इफ वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। तो यहाँ पर आप क्या करने के लिए पर्सन को कहेंगे, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है, तो ये पहले है क्या चीज़, फिर हम इसको बताएंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस करना है। तो इंटरमिटेंट जो क्लाउडिकेशन है, इसमें जो मसल स्पेन देखने को मिलेगा कब, एक्सर्शन के टाइम पर। तो ये यदि आपको किसी पेशेंट के लिए कहना है कि आप, यदि आपको क्या हो रहा है, मसल स्पेन हो रहा है किसके कारण, माइल्ड या फिर ज़्यादा एक्सर्शन के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर आप पेशेंट को कहेंगे वॉक एज मच एज टॉलरेटेड, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतनी ही वॉक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चलना फिरना स्टार्ट किए तो आज ही दौड़ना स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ लेथार्जिक पेशेंट हैज़ फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक एंड द नर्स हैज़ टू प्रिपेयर हिम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को लेथार्जिक है, फीवर है, वॉमिटिंग है, हेडेक हो रहा है, तो कौन से प्रोसीजर के लिए आप कहेंगे, तो यहाँ पर जो साइन बताए गए हैं, पेशेंट लेथार्जिक है, वॉमिटिंग भी हो रही है, फीवर है, उसको हेडेक भी है, तो ये सब मेनिंजाइटिस के लिए है जो साइन माने जा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करने को कहेंगे, लंबर पंचर, क्या करने के लिए कहेंगे, लंबर पंचर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, एन एक्टिव मेल्स पेशेंट हु वेट 180 एलवी, दैट मीन्स 81.65 kg, हैज अंडरगोन डाइटरी इंस्ट्रक्शन, द पेशेंट रिपोर्ट दैट हिज करेंट डाइट कंसिस्ट ऑफ 60 ग्राम ऑफ फैट, 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे, व्हाट अ नर्स एडवाइज द पेशेंट टू डू। तो यहाँ पर आप ऐसे केस में पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, पर्सन का वजन कितना है, 81.65 kg है, उसका अभी रिसेंट में कोलेस्ट्रॉल 200 mg है, 60 ग्राम फैट ले रहा है, 5 ग्राम सोडियम ले रहा है, तो अब इस टाइम पर आप उसको क्या करने के लिए कहेंगे कि अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लो, सोडियम बढ़ा लो, डिक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल या फिर डिक्रीज हिज सोडियम। तो ऐसे केस में आप पर्सन की डाइट में सोडियम को और कम करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसका कोलेस्ट्रॉल है, वेट है, इसके अकॉर्डिंग उसको क्या हो सकता है, पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, तो इसीलिए आप ऐसे केस में पर्सन का सोडियम है जो लेवल कम करने के लिए कहेंगे कि आप और कम सॉल्ट खाओ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 39, अ 55-year-old मेल पेशेंट हु इज डायग्नोस्ड विथ एन एवॉल्विंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इंसिस्ट ऑन गोइंग होम, नर्स इनकरेज द पेशेंट टू बी एडमिटेड बिकॉज द ग्रेटेस्ट रिस्क विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ सस्टेनिंग एन MI इज। तो MI के साथ में पर्सन को और क्या चीज़ हो सकती है ऐसे केस में, तो आप पर्सन को कहेंगे कि आप और रुक जाइए, क्योंकि एज भी है 55 साल है, यहाँ पर MI डायग्नोस हुआ है, MI के फर्स्ट 24 आवर में और क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर, सडन डेथ, पल्मोनरी एम्बुलेंस या फिर वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, तो क्या है जो डेवलप हो सकता है। तो ये यहाँ पर पर्सन के लिए आप इसलिए कहेंगे, घर जाने से रोकेंगे कि पर्सन को एटलीस्ट 24 आवर है जो ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, अदरवाइज MI के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विथ क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है, यहाँ पे कहा कि क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी यदि पर्सन को, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आप बनाएंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बॉडी इमेज डिस्टर्ब, फ्लूड वॉल्यूम डेफिशियंट या फिर स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड। तो ऐसे केस में जो नंदा के जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, यदि हम वहाँ पर वो लगाते हैं, तो क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी में पर्सन की स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड रहेगी, तो इसको लेके आप यहाँ पर डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच कंडीशन प्लेस अ पेशेंट विथ कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ,
तो कौन सी कंडीशन यदि पर्सन को ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम है, और कौन सी कंडीशन है पर्सन के लिए डेथ का कारण बन सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बुलमिया या फिर चेस्ट पेन। तो यहाँ पर सडन डेथ का कारण डिप्रेशन बन सकता है। कैसे? डिप्रेशन में पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस रहने के कारण आपको कार्डियक प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो आपके क्या है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सडन डेथ का कारण यहाँ पर डिप्रेशन आपका हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स वर्किंग इन एन ICU मस्ट बी अवेयर ऑफ द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन CPR प्रोसीजर। यहाँ पर यदि आप ICU में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन जब आप CPR देते हैं तो कितना होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पूछते हैं तो 15:2 है जो होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। यदि किसी पर्सन ने ठंडा दूध पी लिया है, या फिर ठंडा पानी पी लिया, सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, या फिर हॉट ड्रिंक पी ली, तो आपको एटलीस्ट कितने टाइम तक वेट करना है, आफ्टर दैट आप टेम्परेचर चेक करेंगे, 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, या फिर 30 से 40 मिनट। जनरली आपको 10 से 20 मिनट तक वेट करना है, अदरवाइज जो रीडिंग है फॉल्स आ जाएगी। आप चाहें तो एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन यदि पर्सन का आप ओरल टेम्परेचर लेने वाले हैं, वो पर्सन ने क्या किया है, कुछ गर्म चाय पी ली है, गर्म कॉफ़ी पी ली, या फिर ठंडा दूध पी लिया, तो आपको एटलीस्ट 10 से 20 मिनट तक वेट करना है। आफ्टर दैट आप ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी रीडिंग है जो क्या होगी, गलत आएगी। नेक्स्ट वन, मैटरनल डेथ रेट इज एक्सप्रेस डेथ पर। तो मैटरनल डेथ है किस रेशियो में है जो एक्सप्रेस की जाती है, तो ये की जाती है 10,000 लाइव बर्थ, बाकी सभी 1,000 में आती हैं, चाहे IMR ले लो, लेकिन MMR पूछते हैं मैटरनल डेथ, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, तो वे 10,000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू प्लाज्मा। कौन सा सॉल्यूशन है जो वाटर जो शिफ्ट होगा, कहाँ से, सेल्स से प्लाज्मा में, एल्कलाइन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, या फिर हाइपरटोनिक। तो कौन सा सोल्यूशन इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेल्स से प्लाज्मा में। नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्लीडिंग टाइम का मतलब है यहाँ पर कि जो ब्लीडिंग BT टाइम है सभी पे लंबा रहेगा, किसी एक को छोड़कर, बाइपर वाइट में, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपनिया में, हीमोफीलिया ए में, या फिर वॉन ब्लिब्रान डिसीज में, सब में क्या रहेगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा किसी एक में छोड़कर, लेकिन तो वो क्या है, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम लंबा नहीं होता है, BT टाइम है वो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, बाकी सब में होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मच ऑक्सीजन अ नर्स शुड गिव टू अ पेशेंट विथ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। यदि पर्सन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है तो आप उसको कितनी ऑक्सीजन देंगे, तो यहाँ पर नेजल मास्क से यदि आप बात करते हैं तो 2 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क आप यहाँ पर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी जो रिमेनिंग 52 क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन है, ऑल दी फैक्टर्स एड इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट। तो सभी फैक्टर वीनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी एक को छोड़कर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वन वे वॉल्व इन द वेंस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर मसल्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। आई होप आपकी जो भी लोग JIPMER, PGI या फिर अदर स्टेट CHO का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी की तैयारी जोरों तोरों से चल रही हो, और अभी रिसेंट में MPPV का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, अब अदर स्टेट में एग्ज़ाम है, UP में है, राजस्थान में है, और MP में NHM के लिए भी वैकेंसी निकली है, सबकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।